हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता इज हियर। आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट ऑनलाइन एसे कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मोनो मौसमी इज प्रेजेंटिंग अ न्यू ऑनलाइन इंटरनेशनल एसे राइटिंग कंपटीशन 2021 विद सुपर्ब प्राइजेस इन विच यू कैन पार्टिसिपेट फ्रीली, नो एंट्री फी नीडेड। हर पॉइंट के रिगार्डिंग यहां पर ब्रीफली डिस्कशन होगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। द एसेज विल बी ग्रुप्ड एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एडिटर्स चॉइस एसे आउटस्टैंडिंग प्रेज वर्थी एंड नॉट वर्थ मेंशनिंग अकॉर्डिंग टू द मार्क्स गिवन बाय द जजेस टू ईच ऑफ द एसेज। ओनली सेलेक्टेड एसेज अमंग दीज विल बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट एंड रिस्पेक्टिव लिंक्स विल बी कन्वेड टू द पार्टिसिपेंट्स थ्रू मेल। देयर आर ओनली थ्री फिजिकल प्राइजेज, सिर्फ थ्री फिजिकल प्राइजेज हैं, ट्रॉफीज, इटैली ट्रेवल बॉक्स एंड बुक। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा और उनको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई पब्लिश्ड बुक खरीदना चाहते हैं या फिर कोई कस्टमाइज्ड पेन खरीदना चाहते हैं। आप इस सर्टिफिकेट को यूज भी कर सकते हैं एज एन एक्यूलेड अंडर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अब जानते हैं अदर रिवॉर्ड्स के बारे में। अ फ्यू सेलेक्टेड आर्टिकल्स विल बी इंक्लूडेड इन द डिजिटल मैगजीन बीबर्स एंड अपकमिंग बुक्स। बाकी सारा प्रोसेस यहाँ पर मेंशन्ड है। अब मेन चीजों की भी बात कर लेते हैं। दोज पार्टिसिपेंट्स हुज आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन दिस वेबसाइट विल हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी टू विन फिजिकल प्राइजेस लाइक कैश ऑब्लिक पर्सनलाइज्ड पेन ऑब्लिक मेडल ऑब्लिक बुक ईटीसी। अब जानते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में ओपनली। कैश प्राइज 1,000 रुपीज इफ़ द एक्चुअल यूनिक विजिट्स आर अबव 10,000 विजिट्स। कैश प्राइज 500 रुपीज इफ़ द एक्चुअल विजिट्स आर बिटवीन 5,000 to 10,000। पर्सनलाइज्ड पेन ऑब्लिक मेडल ऑब्लिक बुक ऑब्लिक नॉवल कॉस्टिंग अबाउट 300 to 400 rupees। एनी ऑफ दीज प्राइज एज पर द विनर्स चॉइस हुज आर्टिकल हैज विजिट्स बिटवीन 2,000 to 5,000। द रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस ऑफ द पेन बुक ऑब्लिक नॉवल आर शोन इन दिस लिंक। देयर विल नॉट बी एनी रिजल्ट अनाउंसमेंट सेपरेटली। कोई भी रिजल्ट अनाउंसमेंट सेपरेटली नहीं होगा। द पार्टिसिपेंट्स कैन मेल डेट दे हैव रिसीव्ड एन एक्सीलेंट रिव्यू फ्रॉम द रीडर्स ऑब्लिक व्यूअर्स आफ्टर 3 months ऑफ पब्लिशिंग द एसे। After examining from other side, the eligible participants will be rewarded above mentioned prizes. Participants can narrate their essay narration and send video/audio/ presentation and they can win the Star Presenter Award. Please check the link. अब जानते हैं कि आप किस किस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा फॉर्मेट अलाउड नहीं है। PDF is not allowed. PDF allowed नहीं है। MS Word, Notepad, .txt, yes allowed, ये तीनों allowed हैं। Sharing through drive, not allowed, drive के through sharing allowed नहीं है। Copy and paste in the mail body, yes allowed, आप copy and paste mail body में कर सकते हैं। Handwritten allowed in PDF form, handwritten allowed है लेकिन PDF form में सिर्फ।
अब जानते हैं इस ऐसे कंपटीशन के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ दिस ऐसे कंपटीशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 25 मार्च 2021। सबमिशन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च है। रिजल्ट अनाउंसमेंट, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 के पहले हफ्ते में रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। रिजल्ट्स अनाउंसमेंट थ्रू दिस लिंक, इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑन और बिफोर 25 अप्रैल 2021, 25 अप्रैल के दिन या 25 अप्रैल से पहले सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे। अब जानते हैं इस ऐसे कंपटीशन के रिगार्डिंग टॉपिक के बारे में। रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ दिस ऐसे कंपटीशन, बेस्ट स्टार्ट अप ऑब्लिक बिजनेस हाउस और द इनोवेटिव बिजनेस आइडिया रेलिवेंट टू द करेंट सिनेरियो। इन दोनों में से आपको कोई एक टॉपिक अपने ऐसे के लिए चुनना है, और ऐसे के लिए यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, तो प्लीज़ आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि आप इस डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लें, द एसे शुड डिस्क्राइब वाला, एंड ये डिटेल्स का जो सेक्शन दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। अब जानते हैं इस ऐसे कंपटीशन के गाइडलाइंस के बारे में। रिगार्डिंग गाइडलाइंस, लैंग्वेज इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी ऑब्लिक बंगाली। आप इंग्लिश हिंदी या फिर बंगाली लैंग्वेज में अपना ऐसे लिख सकते हैं। नेशनैलिटी एनी कैटेगरीज टू, जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी, ए बिलो 14 ईयर्स ओल्ड जूनियर कैटेगरी डी ओ बी इज मस्ट, बी अबव 14 ईयर्स ओल्ड सीनियर कैटेगरी देयर इज नो एज लिमिट अपर। वैसे तो इस कंपटीशन में कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है 14 साल से कम और दूसरी कैटेगरी है 14 साल से ज़्यादा के व्यक्ति। रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, नो फी रिक्वायर्ड, सबमिशन थ्रू ईमेल, दैट्स अमेजिंग। सेंड योर एसे थ्रू ईमेल एट दिस ईमेल आईडी। आपको अपना एसे ईमेल के थ्रू इस मेल आईडी पर सेंड करना है। नो पीडीएफ ऑब्लिक नो गूगल ड्राइव शेयर्ड documents will be accepted, only MS Word document is eligible for review. अगर आपका document MS Word का है तभी वो review किया जाएगा। The file name of MS Word should be kept as, तो आप देख सकते हैं plagiarism report submission is encouraged, those essays will be disqualified which don't follow the guidelines and there will be no participation certificates for them. तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। ये जजमेंट क्राइटेरिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ रीड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आंसर्स ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट रूल्स, द एसे शुड बी मिनिमम 750 वर्ड्स। आपका एसे न्यूनतम 750 शब्द का होना ही चाहिए और कोई भी मैक्सिमम वर्ड काउंट नहीं है। बाकी ये रूल्स भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और रूल बता देते हैं, यू शुड राइट योर नेम एज सिटी फोन नंबर ईमेल फोटो इज ऑप्शनल इन योर एंट्री इन द वेरी बिगिनिंग बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एसे। आप अपनी एंट्री में जब आप ऐसे लिखेंगे तो उससे पहले आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, ये मैंडेटरी है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपकी एंट्री रिजेक्ट भी हो सकती है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
एंड लास्ट वन आई वुड लाइक टू से दैट कि ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव है और ऐसे रेयर कॉम्पिटिशंस बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो एज यूजुअल इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। टिल देन ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।